हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका क्या यूज है आपके लिए और क्यों ये हर घर में होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। घर में सब्जियां आती है, सिलेंडर आता है और हमें कई बार ऐसा लगता है कि उनका वेट सही नहीं है या फिर कहीं ना कहीं पे वेंडर कोई ना कोई चालाकी तो नहीं कर रहा है। तो आप वेट को किस तरीके से कन्वीनियंटली मेजर कर पाएंगे, उसके लिए यह है एक कन्वीनियंट हाउस होल्ड टूल। छोटी सी मशीन है और 10 ग्राम से लेकर 40 किलोग्राम तक का वेट आसानी से नाप लेती है। तो वैसे तो दोस्तों काफी छोटी सी मशीन है, आप इसको कैरी भी कर सकते हैं। अगर आप सब्जियां लेने आते हैं तो उसे कैरी कर सकते हैं। आपकी बहुत सारी यूटिलिटी है। कई बार आजकल लोग डाइट के ऊपर ध्यान देते हैं कि भाई इतना हमें खाना है, इतना हमें नहीं खाना है, तो उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक इजीली वेट को मेजर कर सकता है। तो आइए फटाफट जानते हैं इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बटन है। जो ये नीचे वाला बटन है, ये है इसका ऑन का बटन। इसको दबाते ही हमारा जो है ये वेइंग मशीन ऑन हो जाती है। स्टार्टिंग में दिखाएगा 8888। जैसे ही ये 8888 00 में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स कि अब आप अपनी मशीन को यूज़ करने के लिए तैयार हैं। अब चलिए हम कुछ मेजर करते हैं और देखते हैं कि ये कितना सही काम करती है। यहाँ पे है हमारे पास मैगी और हम मैगी का वेट अब मेजर करने वाले हैं। तो मैगी का वेट जो दिखा रहा है इसमें वो है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 70 ग्राम्स मैगी का वेट शो कर रहा है। अब हम करते हैं मैगी को मेजर। यहाँ पे आ गया है 00 रीडिंग और यहाँ पे हम करते हैं मैगी को मेजर और जो वेट दिखा रहा है वो है 70 ग्राम्स, राइट। और 70 ग्राम्स की हमारी मैगी, आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ मैगी है और कुछ भी नहीं है। इससे आप सिलेंडर भी मेजर कर सकते हैं। मैं अब आपको सिलेंडर को मेजर करके दिखाता हूँ। ओके जीरो, ये खाली सिलेंडर है। देखते हैं इस खाली सिलेंडर का कितना वेट है। हम उठाएंगे इसको, कितना दिखा रहा है, 15.52। तो आपने देखा कि 15 किलो का वजन मैंने इससे अभी मेजर किया है और आसानी से इसने मेजर कर लिया है। अब इसके बाद हम एक भरे सिलेंडर का भी वेट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए मुझे यहाँ पे एक स्टिक का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका ये सर्कल होता है ये कई बार ग्रिप बनाने के लिए काफी सही नहीं होता है। 27.4। और सिलेंडर में देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ये कुछ 30 kg का होना चाहिए, लेकिन कुछ कम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हमने अपने घरों में चीज़ों को मेजर किया और देखा कि चीज़ें एक्यूरेट हैं या नहीं है। मैगी का वेट एकदम सही आया, लेकिन वहीं पर सिलेंडर का वेट हमको थोड़ा सा कम दिखा। तो अगली बार आप सिलेंडर वाले को मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि भाई तेरा सिलेंडर जो है कम आ रहा है, ध्यान दे, क्योंकि मेरे पास है वेट मशीन और इससे मैं वेट चेक कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपका जो वेंडर्स होंगे वो थोड़े से सचेत हो जाएंगे और आपके साथ इस तरीके की चालाकी करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया ये एक इक्विपमेंट है, ये सबके पास होना चाहिए। ये दूसरी जो इसकी की है, यहाँ पे आप वेट की यूनिट सेट कर सकते हैं, जैसे कि केजी हो गया या फिर उसके बाद LB हो गया, दैट मीन्स कि पाउंड हो गया। फिर इसको प्रेस करेंगे तो जिन हो गया, जो जिन होती है ये चाइना की कोई अपनी यूनिट है। एक जिन जो होता है वो आधा केजी के बराबर होता है। उसके बाद OZ मतलब कि आउंस आ गया। तो अलग अलग यूनिट है, अलग अलग देश की अलग अलग यूनिट है, हमारे लिए केजी काम आएगा, तो हम सब केजी में सेट कर लेंगे। अब मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसको कि आपको डब्बे के साथ मेजर करना है, तो पहले आप डब्बे को मेजर कर लें। तो सबसे पहले आप जब डब्बे को हैंग करते हैं या डब्बे को मेजर करते हैं, तो उसके बाद आप इस टेयर के बटन को दबा देंगे। तो जैसे ही आप, तो मान लीजिए कि ये मैगी ही थी और इसमें जो मैंने इसको हैंग किया, तो इसका जो वजन दिखा दिया इसने इतना, और अब जो है मैं इस स्टेयर के बटन को यहाँ प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे ये 0000 रीडिंग आ जाएगी। अब इसके बाद मैं इस बैग में जो भी रखूँगा तो ये सिर्फ उसी का ही वेट मेजर करेगा। यानी कि अगर मैं अब इसके अंदर ये बिंगो डालता हूँ तो ये सिर्फ मुझे बिंगो का ही वेट देगा, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि पन्नी में इस समय पर मैगी है, लेकिन यहाँ पे जो वेट दिखा रहा है ये है 00। और ये हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे टेयर का बटन प्रेस कर दिया है। दैट मीन्स कि अब इस समय पे इस पूरे का वजन हो गया है 0। अब मैं जो भी ऐड करूंगा सिर्फ मुझे रीडिंग उसी चीज की मिलेगी। तो काफी काम की चीज है दोस्तों। तो दोस्तों ये था इस डिवाइस के बारे में रिव्यू। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्टेड है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरीके की यूजफुल टेक्निकल टिप्स और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल टेक्निकल फाइट को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।